कोरोना को हराना है और हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना है। कोरोना को मात मास्क के साथ। हमारा गांव हमारी पहचान खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम जानते हैं गांव के विकास के बारे में कि पहले से कितना बदलेगा गांव। वहीं ज्यादा जानकारी देने के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है आपके गाँव के, इस पर क्या कहेंगे? स्वयं सहायता समूह से लगभग 2.5 लाख मास्क पहले लॉकडाउन में सिलवाया गया और इस बार जो है कि लगभग 2 लाख मास्क अभी तक तैयार कर चुकी हैं महिलाएं। और कोरोना को हराने के लिए सफाई कर्मी को लेकर के गांव की जनता के साथ गली गली घूम करके हम लोग नाली में छिड़काव, नाली को साफ करवाया जा रहा है। जहाँ भी पानी का जल जमा है उसको काट के बहाव कराया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वायरस का फैलाव न हो सके। और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें। आप गांव की सरकार के मुखिया बने हैं, आप अपने गांव का विकास किस तरह से करेंगे? गांव के विकास में हर लोगों से बात करके गांव की कार्य योजना बना करके सुचारू रूप से चलाने का काम हम लोग करेंगे गाँव के सहमति से। और बैठक करके, बैठक में जो भी प्रस्ताव आएंगे उस पर सर्वसम्मति से हम लोग सभी लोगों का सहयोग लेकर के सरकार को अवगत कराएंगे ताकि हमारे वहाँ विकास सुचारू रूप से हो सके। वहीं आपके गांव में जल भराव की समस्या जगह जगह पर देखने को मिल रही है, इससे गांव को निजात कैसे दिला पाएंगे आप? जी, गांव में कुछ नाली बनवाने हैं जिससे जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। हम लोग जल्द से जल्द बरसात आने से पहले हम लोग चाहेंगे कि उस जल भराव को खत्म कर लें। प्रधान जी, ऐसा कौन सा एक काम होगा जिसको आप सबसे पहले करना चाहोगे? सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे गांव में नाली का समस्या जो है सबसे पहले खत्म हो जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।